नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए, हालांकि ये सिलसिला आज का नहीं है। अभी आपने अशोक अग्रवाल जी का ट्वीट का बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारा ये वायरल भी हो रहा है कि वैकेंसीज आ रही है। हमने आपको 3 से 4 महीने पहले ही बता दिया था और ये भी बता दिया था कि 31 जुलाई को ये सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी और 31 जुलाई के बाद ही पता लग पाएगा कि आपकी वैकेंसीज आ कब रही है। तो ये वही 26,000 वैकेंसीज है। मैं इस ट्वीट को आपको बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले इस ट्वीट को दिखाऊंगा जो हमने करीबन 2 महीने पहले ही वीडियो बना दिया था कि 31/7/2023 को यह पता चल जाएगा। अशोक अग्रवाल जी ने तभी कहा था डीएससी ऑर्डर फिल अप ओवर 26,000 वैकेंट टीचिंग पोस्ट इन डीओई एंड एमसीडी एंड रिपोर्ट कंप्लायंसेस बाय 31/7/2023। और जो ये आपका दूसरा ट्वीट आया है ये और किसी दूसरे डेट का नहीं है, 31/7 का ही है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अशोक अग्रवाल जी कितने पंक्चुअल हैं अपनी बातों को लेके। और ये क्लियर भी हो गया है, वहां पे कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया और कोर्ट ने ये बताया है कि अब आपको जल्द से जल्द किसके लिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है किसको, एमसीडी को, कि 3 वीक के अंदर DSSSB को 5,750 जो वैकेंट सीटें हैं उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग सारी के सारी इंफॉर्मेशन रिक्विजिशन सेंड कर दिया जाए। और इससे पहले डीओई ने क्या किया है, इन्फॉर्म्ड कोर्ट रिक्विजिशन रिगार्डिंग ऑल वैकेंट टीचिंग पोस्ट हैव बीन सेंट टू DSSSB एंड DSSSB विल सून इशू एड्स, मतलब इसका एडवर्टीजमेंट भी बहुत जल्द आने वाला है। हाई कोर्ट डायरेक्टेड डीओई DSSSB एंड एमसीडी टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट, मतलब अब ये फिर से स्टेटस रिपोर्ट जल्द से जल्द देंगे। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट में आपको बता दूं तो ये वही ट्वीट था। टोटल 26,000 वैकेंसीज इसमें थी। आपको बता दूं मैं कितनी वैकेंसीज थी, टोटल 26,000 वैकेंसीज थी जिसके बारे में वीडियो आपको बनाया गया था। रमन सर भी बनाए थे, आशीष सर भी बनाए थे, मेरी भी कुछ वीडियो आपको यहाँ पे परीक्षा प्लस है आपके यूट्यूब चैनल पे ही। इसमें आपका 5,700 वैकेंसीज है ये आपके तो एमसीडी करवा रहे हैं, लगभग जो 5,700 वैकेंसी है एमसीडी, और लगभग इसमें जो 20,000 वैकेंसी है ये आपकी कौन करवा रही है, डीओई करवाएगी, डीओई। इन दोनों को ही करवा कौन रहा है, कंडक्ट जो कंडक्टिंग बोर्ड है वो DSSSB है, ये बात समझते हुए चलेगा। और अब ये समग्र रूप से 26,000 वैकेंसीज एक साथ लेके आएंगी जिसमें आपके PRT के भी हैं, जिसमें आपके PGT के भी हैं, जिसमें आपके PGT के भी हैं और अन्य जो मिसलिनियस पोस्ट हैं, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट भी, वो सारे के सारे आपके DSSSB के 26,000 पोस्ट आने वाले 1-2 सप्ताह में आपके सामने आ जाएंगे। तो इससे पहले भी बच्चे जब ये आया था तभी मैंने बोला था बहुत सारे बच्चे टीम से जुड़ के अपनी तैयारी स्टार्ट भी कर दिए थे। मैं अभी भी उन बच्चों को बोल दे रहा हूँ कि अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आपके टीचिंग एग्जाम की एक साथ लगी हुई है। अभी आपने KVS देके आए हैं, KVS के बाद प्रोसीडर आपका EMRS TGT PGT आ गया है, साथ में ही आपका DSSSB भी आ जा रहा है, इसके बाद आपका UP TGT PGT का फिर से चालू हो जाएगा, PRT का उधर भी सुपर टेट आ जाएगा, बिहार का सुपर टेट आप लोग तैयारी कर ही रहे हो। तो लगभग सिलेबस बिहार वाले में थोड़ा सा तो अलग है, बाकी लगभग सबका सिलेबस सेम है, लगभग सबका पैटर्न सेम है। और जैसे ही ये हो जाएंगे वैसे आपका फिर से NVS और KVS, फिर अपना पहले NVS और फिर KVS अपना अपना पाव पसारने लगेंगे। तो अल्टीमेटली आने वाला 1.5-2 साल है तो आपको तैयारी करना, सिलेक्शन लेना, तैयारी करना, सिलेक्शन लेना वाला फेज है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम कौन से बेटर जगह पे सेलेक्ट हो जाएं। और जब आपके पास ऑप्शन है कि हम ये वाला चूज करें, तब जाके समझिए कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन और आप सही पोजीशन पे और आपका किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे कोर्स से जुड़े हैं उनको मैं आभार प्रकट करता हूं, जो बच्चे अभी भी नहीं जुड़े हैं टीम परीक्षा प्लस इसका जो पार्ट है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इसका जो पैटर्न है ये पैटर्न 2 पैटर्न में पूछता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए होता है इसमें सारे 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20-20 के 5 पार्ट होते हैं और टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपका हिंदी हो गया, इसमें आपका इंग्लिश हो गया, इसमें आपका GS हो गया, इसमें आपका मैथ्स हो गया और इसमें आपका रीजनिंग हो गया। 5 पार्ट आपके ये होते हैं और 100 क्वेश्चन का आपका क्या होता है, 100 क्वेश्चन का आपका सब्जेक्ट होता है। जो PRT वाले पेपर होंगे उनमें आपका यही पार्ट रहता है, उनमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है, स्टाइल जो आपका पेडागोजी वाला पार्ट है वो इंक्लूड होता है। और TGT PGT में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट जैसे मैथ से है, आपका इंग्लिश से, आपका हिंदी से, वो आपके पोर्शन होते हैं, तो इस आपको समझेगा सब्जेक्ट चलता है। तो आपको इस पोर्शन पार्ट ए की तैयारी अभी जो आपका किया गया है वो बैच निकाल दिया गया है, पार्ट बी भी जैसे ही आपका आता है वो आपका पार्ट बी भी निकाल दिया जाएगा। पार्ट ए से जुड़ने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप पे जा सकते हो,
गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां पे DTPLS भी PRT टीचिंग सेक्शन में लगा मिलेगा। मात्र 5,000 का बैच 799 आपको मिल रहा है। इसमें सारी की सारी लाइव क्लासेस प्लस उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। साथ ही स्टडी मटेरियल सारी के सारी नोट्स, और जो आपको नोट्स मिलेंगे वो नोट्स आप देख सकते हो प्रॉपरली, जो उनकी बुकलेट है ये पूरे के पूरे। मैं इसका डेमो भी एक वीडियो में आपको दिखा दिया चुका था, अगले वीडियो में फिर से दिखा दूंगा। इसे आप जाओगे तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके आप खुद भी इसका डेमो देख सकते हो। कुछ आपका यहाँ पे लगे भी है तो वहां पे आपको दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आप जाओगे तो कुछ कोर्सेस आपके यहाँ पे लगे हैं, जैसे वीडियोज आप देख सकते हैं, कुछ PDF आप देख सकते हैं, जैसे CD समावेशी शिक्षा कुछ यहाँ पे डाउनलोड होने में एरर आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप वहां पे करोगे तो आपको ये बकायदा अच्छे से दिख जाएगा। तो EMRS के भी बहुत सारे बैच चल रहे हैं और आपका DTPLSB भी आपकी इसी में तैयारी हो जाएगी। आप इसे लेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे कॉम्पिटिशन में उतना ही पीछे आप होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा चांस आपको मिल रहा है, लगभग 26,000 वैकेंसीज है। अब बात यह है कि हो सकता है दोनों वैकेंसीज एक साथ है, मतलब 5,750 एक अलग से और 20,400 समथिंग अलग से, दोनों एक साथ मिक्स होके हैं एक ही वैकेंसी में, या हो सकता है दोनों अलग अलग है। क्योंकि जो है अभी तक MCD, पहले MCD अलग अलग थे, वो सारे MCD आपके एक हो गए, नॉर्थ साउथ वाले सब कुछ एक हो गए, और DOE आपका अलग करवाता ही करवाता है, लेकिन दोनों ही अब DTPLSB के माध्यम से करवाएंगे। तो हो सकता है DTPLSB बोले कि सबका पाठ्यक्रम एक ही करके एक ही बार निकाल लिया जाए, हो सकता है अलग अलग आए, बट टोटल 26,000 वैकेंसीज आपको एक से दो वीक में देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लग जाइए चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपके स्टिल कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो एलिजिबिलिटी से संबंधित, पैटर्न से संबंधित, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसके बहुत प्रॉपरली आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आप कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोई समस्या होती है तो जो नंबर नीचे चल रहे हैं या यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं इन पे आप बता सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।